और जिस बिना जब नाम जमा हुए वो सिर्फ उब्बे अहले बैत है, अहले बैत की मोहब्बत हमसे बाजी करी गई। कुरान की जेल में हम देखें तो ये वो मोहब्बत है जो जिसके बिना पे हमारे आमाल कबूल होंगे। और मोहब्बत का तकाजा ये है कि अगर जिससे मोहब्बत की जाए उसके ऊपर कोई जरा हो, कोई चाहे वो जिंदा हो या मर जाने के बाद शहीद हो जाने के बाद, बेशक हमारे लिए अहले बैत हमारे मुर्दों की तरह नहीं है, आज भी हमारे लिए वसीला है, लेकिन उनकी जो जिस्मानी जो उनका वजूद था वो आम लोगों की तरह होगी तौर में है और वो कब्र वाले मोहतरम है। अगर आप एक बहुत ही साइड एक बहुत ही फितरी बात है, हम सबके मजमीन जो इस दुनिया से चले गए हैं उनकी कब्रों पर हम जाते हैं और ये सुन्नत रसूल भी है, खास करके जुमे के दिन या बाकी और लोग हैं ईद के दिन। और जब हम देखते हैं कि हमारे मरहूमीन की कब्र पे कोई चीज सही नहीं है, यानी अगर उसमें कोई नाम की जो तख्ती लगी हुई है अगर वो टूट गई है या वो सही से नहीं लगी हुई है, तो हम फौरन इंतजामिया से कहते हैं कि इसको सही करो या खुद सही करने की कोशिश करते हैं। अजीब मंजर है, अजीब मंजर है वकी का कि हम जो हमारे मरहूमीन है गुजारा जाए के सामने उनकी क्या मिसाल है, के सामने के सामने चौथे इमाम के सामने पांचवे इमाम के सामने छठे इमाम के सामने चार इमाम तकी है जिनको आईमतुल्लकी कहा जाता है, उनकी उनके सामने हमारे मरहूमीन की क्या मिसाल है। लेकिन ये अजीब है कि हमारे मरहूमीन की कब्र पर अगर कुछ हो जाए तो हम फौरन परेशान हो जाते हैं, लेकिन आईमाए कफी की कब्र जो है वो खुले आसमान में है। जनाब साहब की कब्र जो कुछ रवायत साहब बकी में है वो खुले आसमान में है और हम कुछ नहीं कर पा रहे सिवाय इसलिए कि हम गम पेश करें। हम क्या करें, आज के दिन हमारे लिए हमको इस बात के लिए आमादा करता है कि हम तैयारी करें। अगर हम वहां नहीं जा सकते तो यहां से इस तरीके से जुलूस की शक्ल में अपने जो है प्रोटेस्ट को जो है वो सऊदी अरब गवर्नमेंट तक पहुंचाए। अब मुझे बहुत ही मुझे नागवार करता है उस हिजाज की हुकूमत को सऊदी हुकूमत कहने की, क्योंकि ये अरब जो है वो मोहम्मद का अरब है, ये मोहम्मद ही अरब है, ये सऊदी अरब नहीं है। ये बहुत ही नागवार हो सकता है, कभी कभी मुंह से सोचे निकलते नहीं, हिजाज निकलता है। क्यों? क्योंकि वो हिजाज की जमीन रसूल अल्लाह की है, सऊदियों की नहीं। उन्होंने अपनी ये जो है वो किस तरीके से उन्होंने कब्जा कर रखा है कि उस जमीन पे जो रसूल अल्लाह की उसके सामने सऊदिया लगा दिया है, सऊदी की पिसाब क्या है। लेकिन हमें लेकिन कुछ मजबूरी की वजह से हम लोग कुछ लोगों को मुतवज्जे करने के लिए सऊदिया बोलना पड़ता है। अब तो हाल ये अरब किसी को बोला जाता है, सऊदिया बोल दिया जाता है। वही सोचता जी कि हम क्या मुंह से निकालते हैं सऊदिया को, नहीं वो हिजाज है, वो मोहम्मद का है, उसमें खुदा का अरब है, लेकिन मजबूरी में हमें कुछ लोगों को मुतवज्जे करने के लिए हम सऊदी अरेबिया में। सऊदी अरेबिया जो है ये खाली इस बात के दलील है कि किस तरह से ये काबिज है, ये नाजायज है उनके लिए कि अपने नाम को से भी जितना गया है। बहरहाल ये आज के दिन हम मुतवज्जे हो, हम अपने एहतजाज को बुलंद करें। बेशक हमारी आवाज शायद चंद लोगों की है, लेकिन वो चीटी का वाक्य है जो मैं तुम्हें छोटा सा वाक्य अगर कर दू कि एक वाक्य में एक चीटी जो थी वो एक पहाड़ से कुछ सराय को लेकर सरों को लेकर दूसरे पहाड़ पर जा रही थी। तो एक जो नबी है अल्लाह के जो नबी था उसने कहा, जो नबी ने उसने कहा कि तुम ये क्या कर रही हो, उसने उस चीटी ने कहा कि मैं इस पहाड़ को उठा के उस पहाड़ पर ले आ रही हूँ। चीटी से कहा तुम ये कर नहीं सकती हो, लेकिन मैं जिससे मोहब्बत करती हूँ उसने मुझे यह हुक्म दिया है, इसलिए मैं ये कहूँ कि चाहे मैं फला ही बुला। देखिए हमारे लिए शायद ये मुमकिन ना हो कि हम जाके वहां पर जाके चंद्रपति को फौरन तामीर करवा दें, जैसे हम अपने यहाँ शरीफ बनवाइए नर्मदा में, इस तरह से कुछ नहीं कर सकते, लेकिन हम अपनी आवाज को बुलंद करके वहां जा सकते, वहां अपनी आवाज को बुलंद कर सकते। वो देखिए एक वीडियो आप करके बयान करते कि हम हर दिन जुमे को पढ़ते या पढ़ने की कोशिश करते हैं, कम से कम कुछ
पूछा गया कि कहां है जनाबे सहरा का बेटा, तो हम ये तसव्वुर कर रहे हैं कि जनाबे सहरा की कब्र पर इमामे रवाना होंगे। लेकिन उनको क्या उम्मीद होगी कि जब वो जनाबे सहरा की कब्र पर जाते होंगे तो देखते हो कब्र पोशीदा है। जब वो बकिया चार इमाम की कब्र पर जाते हैं तो कब्र पोशीदा है, लेकिन गैबत की मजबूरी है कि इमाम कुछ कर नहीं सकते, गैबत की मजबूरी है। अगर इमाम चाहे तो पढ़े, लेकिन अल्लाह का हुक्म है उसकी बिना पे कि कुछ हमारे लिए भी है। हम कितना उसके लिए आवाज उठा रहे हैं, हम कितना अपने आवाज को बुलंद कर रहे हैं। बेशक अगर इमामत हम इस गैबत के जमाने में अगर नहीं कर पाएंगे ये काम, तो हम दुआए अहम के उन जुमलों को बार बार पढ़ेंगे, मौला आपका है हमारे गर्दन पे है और हम 40 दिन की दुआ पढ़ के अपने आप को इसलिए ले आ करते हैं इमाम अगर सहूर होगा तो हम अपने कामों से अपनी तलवार को लेकर बाहर निकलेंगे और आपके साथ आपके दुश्मनों को खत्म नहीं करेंगे, जब तक उनको तादीर भी करेंगे। आपके लिए आप मेरी आवाज़ उठाने गए आने सब।